नमस्कार वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का चुनाव 20 मई को वाराणसी में होगा। इसके लिए पटना में चुनाव कराने के लिए कार्य समिति की एक बैठक की गई, जिसमें बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार गुप्ता, पटना के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव मुन्ना कुमार गुप्ता, टाटा के राम वृक्ष गुप्ता, नोखा के विशाल आनंद, कार्यकारी युवा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता, कामेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता सहित तमाम सदस्य की उपस्थिति रही। इस दौरान अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान प्रसाद ने कहा कि महासभा की चुनाव प्रक्रिया जोरों पर है और निर्वाचन कमेटी अपना काम बखूबी निभा रही है। आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि 20 मई को वाराणसी पहुँचने की कृपा करें। संतोष गुप्ता की खबर के मुताबिक शेयरपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित कई योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रेमसर ग्राम पंचायत भवन पर सीएफटी बैठक कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत शेयरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषि गर्ग, एसडीएम आरबी सिंडोस्कर, तहसीलदार निधि चौकसे सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। धीरज गुप्ता की खबर के मुताबिक गया के केंद्रीय विद्यालय 1 के मैदान में आज विद्यालय का एनुअल फंक्शन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गया जिलाधिकारी सह अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति केंद्रीय विद्यालय 1 के अभिषेक सिंह और अन्य अतिथियों में डॉक्टर सुनील गुप्ता, जिला अग्निशमन अधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में आकर चार चांद लगा दिए। इस दौरान स्कूल के छात्राओं ने बहुत ही मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत किए। मध्य प्रदेश के भुआ बिछिया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल हमारी संवाददाता सोनल अग्रवाल ने कुछ ऐसी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन तस्वीरों में पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें सभी बीजेपी विधायक के कार्यालय की है, जहाँ पर अधजला कूड़ा पड़ा हुआ है, तो एक जगह दो लोग खुले में टॉयलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गया की बोधगया में ऑक्स होटल में बिहार में पर्यटन के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पर्यटन विभाग बिहार के सचिव पंकज कुमार, मगध प्रमंडल के आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल प्रसाद, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की सचिव रश्मि वर्मा और संयुक्त सचिव सुमन बिल्ला मौजूद थे। इस दौरान प्रसाद योजना एवं स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट और पटना साहिब के आसपास क्षेत्र के विकास को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। हम ये कहें कि हम एक सेक्सुअली स्पेस्डक है या यौन दमित समाज है तो ये अतिशयोक्ति होगी। अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हम वही देश है जहां खजुराहो है, इसीलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत का समाज एक यौन दमित समाज है। परिवारों के अंदर घटने वाले पीडोफीलिया के सभी मामले, जहां परिवार के बड़े रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र एक बच्चे के साथ कोई यौन अपराध करते हैं, उन सभी रिश्तेदार में एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि ये सभी रिश्तेदार पावर इक्वेशन के रिश्ते हैं, यानी इनमें कहीं ना कहीं ताकत का कोई समीकरण जरूर है। एक्शन सुपरस्टार और अरबपति जैकी चैन की बेटी बेघर हो गई है। उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं है। इस बात का खुलासा खुद जैकी की बेटी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर किया है। वीडियो को जैकी चैन की बेटी एटा का वीडियो बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अपनी गरीबी के लिए एटा ने अपने पिता को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं वीडियो में एटा ने अपने सेक्सुअल स्टेटस को लेकर अपने पिता और दोस्तों का नजरिया भी बताया। गया के निर्भय शक्ति की उपाध्यक्ष सत्यवती गुप्ता ने श्री श्याम नंदन प्रसाद जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि समाज सेवी गीता दीदी, बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी कुमारी, पुष्पा सिन्हा, शोभा देवी, कुसुम देवी, रेशमा प्रसाद ने दीप जलाकर और श्री श्याम प्रसाद जी के चित्र पर और भगवान कृष्ण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। मंडला रामनगर सामूहिक विवाह में हुए धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि धर्मांतरण करवाने वाले दोषी अधिकारियों को हटाकर इसकी जांच कराई जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। बाकी की खास खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्यपा न्यूज। नमस्कार।